आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे और ये मेरा आइसलैंड के व्लॉग का सेकंड एपिसोड है। तो सेकंड एपिसोड के साथ आप इसका फर्स्ट एपिसोड देखना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि आइसलैंड के ट्रिप में आपसे कोई भी चीज मिस ना हो। तो आइसलैंड के सेकंड डे हमने घूमा ब्लू लगून और रेकविक सिटी। तो ब्लू लगून का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा और जो सिटी है उसमें देखने के लिए क्या क्या है, आप ये सारी चीजें इस एपिसोड में देखेंगे। तो मॉर्निंग हो चुकी है और हमको अभी अच्छा ब्रेकफास्ट चाहिए, क्योंकि कल का हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो डिनर में तो हमने खाया था लेमन राइस और दाल मखनी ब्रेड। मॉर्निंग के लिए आप ऐसे कुछ टाइप का पोहा रख सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ गर्म पानी मिलाया और ये पोहा रेडी है। चाय हमने कैसे पी, चाय के लिए भी मैंने ऐसे कुछ पैकेट्स रखे थे जिसे आप गर्म पानी में डालें और चाय बन जाती है। और सब्जी के लिए भी आप इस तरीके के पैकेट्स ले सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर सब्जी खरीद के या सैलेड खरीद के भी कुछ बना सकते हैं, बट मेरे पास उतना समय नहीं है और खाना कुछ जल्दी जल्दी बनाने वाला चाहिए, तो मैंने इस टाइप के पैकेट्स ले लिए। तो आप एयरबीएनबी में इस टाइप के पैकेट्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं। साथ में हमने थोड़ा सा राइस भी रखा, क्योंकि आदि को राइस बहुत पसंद है, तो ये हम लंदन से ही लेकर आए थे। तो वो कर्ड राइस या फिर लेमन राइस पसंद करता है खाने में। बस हो गया, और उसके बाद जल्दी से खाकर हमको जाना है ब्लू लगून, जिसके लिए हम लोग एक्साइटेड हैं। देखते हैं ब्लू लगून में देखने के लिए आज क्या क्या मिलेगा। तो ब्रेकफास्ट हमारा मिनटों में बनकर रेडी था और हमको जल्दी जल्दी रेडी होकर जाना था ब्लू लगून के लिए। तो ब्लू लगून का हमारा 11 o'clock का बुकिंग था, तो हमने सोचा उसके पहले हम सिटी में जितना पार्ट हो सकता है वो घूम लें। तो जो ये ब्यूटीफुल चर्च है, हमारा एयरबीएनबी इससे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो हम 10 मिनट में ही यहाँ पहुँच गए। स्क्रीन में मैंने इसका नाम लिख दिया है। तो यूरोप में हमने काफ़ी सारे चर्च देखे हैं, बस इस चर्च का जो शेप है, डिज़ाइन है, वो दूसरों से बहुत ही अलग है। तो आइसलैंड में घूमते वक्त आप एक बात नोटिस करेंगे कि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। जैसे कि आपने मेरे और भी यूरोप के व्लॉग्स देखे होंगे जिसमें हर जगह बहुत ही क्राउड रहता है, तो आइसलैंड में मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि यहाँ आप इत्मीनान से घूम सकते हैं। चलिए फिलहाल तो हम अंदर से चर्च जाकर देखते हैं कि वो कैसा है। तो चर्च में आप लिफ्ट से ऊपर भी जा सकते हैं, जिसके रेट्स कुछ इस तरीके से हैं। हमारा ब्लू लगून का बुकिंग था, इस वजह से हम इसके टॉप पर नहीं गए, पर ये चर्च अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और कुछ ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए और रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके एंट्रेंस में ही एक बहुत ही बड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो पियानो बजाने से इसमें से म्यूजिक निकलता है। तो जो मेरा बेटा है आदि, वो कीबोर्ड सीखता है। यहाँ उसने पहली बार 2 layers में कीबोर्ड और इतने सारे पैडल्स देखे होंगे, और जो इसका साउंड है वो सारे इस स्ट्रिंग में से आता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था। ऑफकोर्स आप ये सारे कीबोर्ड्स यहाँ पर टच नहीं कर सकते हैं। वैसे ये चर्च बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये बिल्ड हुआ था 1986 में। तो ये जो कीबोर्ड है बड़ा वाला, इसको प्ले करने से यहाँ पर बहुत ही अच्छा म्यूजिक निकलता है। इसके भी पर्टिकुलर टाइम है, तो जब हम गए थे हमें नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसे शोज होते हैं, तो आप ये ऑनलाइन चेक करके जाइएगा। तो इसके डोर पर ही देखिए ये कैसा बोर्ड था, जिसमें सारे डेज और टाइम्स लिखे हैं कि कब ये इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जाता है। तो ये खूबसूरत सा जो चर्च है, ये देखने के बाद हम निकल पड़े हैं रेनबो स्ट्रीट के लिए। क्या है रेनबो स्ट्रीट? तो चर्च से जो ऑपोजिट स्ट्रीट जा रही है, वहीं पर ही है रेनबो स्ट्रीट। तो इंस्टाग्राम में तो ये जो स्ट्रीट है, ये काफी ज्यादा फेमस है। तो ये स्ट्रीट के अगर आप डाउन जाएं तो भी आपको काफ़ी सारे स्ट्रीट आर्ट देखने को मिलेंगे। लोग यहाँ बहुत ज़्यादा फोटोग्राफ्स खिंचाते हैं और हमने भी फोटोग्राफ्स खिंचाया, और एक फैमिली भी दिखी हमें जो बहुत ही फनी फोटोग्राफ्स यहाँ खिंचा रहे थे, तो मैंने सोचा इनको भी थोड़ा कैप्चर किया जाए।
और यहाँ से हम डायरेक्ट निकल पड़े हैं अपने बस स्टॉप के लिए। और जाते जाते मुझे ये ट्री हाउस देखने को मिला और ऐसा लगा मेरे बचपन के सपने का ये हूबहू वही ट्री हाउस है जिसमें मैं हमेशा रहना चाहती थी। तो जीपीएस से घूमते घूमते 15 से 20 मिनट में हम पहुंच चुके हैं बीएसआई बस स्टॉप, और यही बस स्टॉप से बस नंबर 55 पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है एयरपोर्ट। तो लास्ट डे भी हम इसी बस स्टॉप में आने वाले हैं। तो आपके टूर में ऐसा है कि आप चेकआउट कर चुके हैं और आपको आपका सामान कहीं पर रखना है, तो बीएसआई में भी आपको लगेज लॉकर रूम ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपको भूख लग गई है और अगर आपको कुछ स्नैक्स खाना है तो यहाँ पर कुछ शॉप है जहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो बाहर हमारा बस वेट कर रही थी और सारे बस यहाँ ऑन टाइम होते हैं, वो 5 मिनट भी डिले नहीं होते हैं। आइसलैंड में कहीं पर भी टॉयलेट फ्री नहीं है, आपको 100 ISK पर पर्सन देना पड़ेगा। तो ब्लू लगून जाने के लिए बस जो है हमारा वेट कर रही थी, बस बिल्कुल टाइम पे थी। तो हमने कौन से टूर से ये बस बुक की थी उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो रिकविक सिटी से ब्लू लगून 1 घंटे का सफ़र है, ये बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है। और आप ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ना, ये पूरा लावा फील्ड था कभी। तो ब्लू लगून से आप बीएसआई बस स्टॉप या एयरपोर्ट कोई से भी टाइम की बस ले सकते हैं। और ब्लू लगून के स्टार्टिंग में ही आपको लगेज लॉकर रूम भी मिलेगा। तो अगर आप अपने ट्रिप में एयरपोर्ट से डायरेक्ट ब्लू लगून जाना चाहते हैं तो आप अपना सामान यहाँ लॉकर रूम में रख सकते हैं, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट ही है एयरपोर्ट से और आप फिर डायरेक्ट ब्लू लगून जा सकते हैं। और या फिर आप अपने ट्रिप के लास्ट डे में ब्लू लगून करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ अपना लगेज रख कर आप यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट जा सकते हैं। पर अगर आप एयरपोर्ट से डायरेक्ट ब्लू लगून आ रहे हैं तो आप 2 से 3 घंटे का मार्जिन रखिएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो है फ्लाइट डिले होती है। तो आपका यहाँ पर टिकट चेक करके यहाँ पर आपको एक हैंड बैंड दिया जाएगा। तो ब्लू लगून का कैसा प्रोसीजर है ये आप पूरा इस वीडियो में देख सकते हैं। तो लगून में आप अपने साथ कैश या फिर पेमेंट कार्ड नहीं लेके जा सकते हैं। तो आप लगून में कोई भी जो शॉपिंग करेंगे या स्पा कराएंगे, रिस्ट बैंड में उसका अमाउंट आ जाएगा जो आपको लास्ट में पे करना पड़ेगा। और वहाँ एक छोटा सा लॉकर फैसिलिटीज भी है जो कि लॉक होगा इसी रिस्ट बैंड से ही। और लगून में जाने के पहले आप अपने बालों में कंडीशनर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, अदरवाइज आपके जो ये बाल हैं वो पूरे फ्रीज हो जाएंगे वहाँ के ठंड में भी और वहाँ के पानी से भी। तो बस चलते हैं आप ब्लू लगून, और वो है ब्लू लगून जिसमें सब लोग नहा रहे हैं और मैं भी जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। और आप अपने साथ मोबाइल का वाटरप्रूफ कवर लाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। चलो आदि। आप सोच रहे होंगे कि आइसलैंड इतना ठंडा है और नेहा यहाँ ओपन एरिया में क्यों गई है नहाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आइसलैंड में अभी भी काफी सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं और यहाँ जियोथर्मल पावर यूज किया जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पर ये जो पानी है ये काफी ज्यादा गर्म है। और इसके साथ आप नोटिस करेंगे कि ये जो पानी का कलर है ये बेहद ही खूबसूरत नीले रंग का है। तो ये जो पानी है इसमें बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स है और इसमें हाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ सिलिका है, जिसकी वजह से इसका कलर इस तरीके से है। तो जो भी आइसलैंड आता है वो ब्लू लगून आना बिल्कुल भी नहीं मिस करता है, क्योंकि ऐसी खूबसूरती और ऐसा एक्सपीरियंस आपको वर्ल्ड में और कहीं भी नहीं मिलेगा। वैसे ये बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, मेरे बच्चे ने तो यहाँ बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। जो ये आर्म्स बेड है यहाँ पर फ्री में मिलते हैं बच्चों के लिए। तो ब्लू लगून में तो आप पूरा दिन भी बिता सकते हैं, बट मिनिमम आपको यहाँ पर 3 घंटे तो जरूर लगेंगे।
तो जो ये लगून है ये काफ़ी बड़ा है, तो आपको पूरा घूमने में, आराम करने में 3 घंटा या 4 घंटा लग सकता है। आप चाहें तो पूरा दिन भी यहाँ रह सकते हैं। तो ब्लू लगून में 12 साल के छोटे बच्चों के लिए टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो आनंद और मेरे टिकट में ड्रिंक जो था वो फ्री था, बस हमें आधी के लिए ड्रिंक खरीदना पड़ा। ब्लू लगून में ठंडा ठंडा लेमोनेड कैसा है आधी टेस्ट? तो लगून में आपको फेस मास्क लगाने भी मिलेगा। हाँ, मैं जरूर फनी दिख रही हूँ, बट ये जो फेस मास्क है ये आपके जो स्किन को नरिश तो करेगा ही, साथ ही ये आपको सनबर्न से भी बचाएगा। बाहर के शॉप में आप ये मास्क लेने जाएंगे तो आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपनी जो जेब है हल्की करनी पड़ेगी, तो क्यों ना यहाँ फ्री में नेचुरल जो फेस मास्क है ये ना लगाया जाए। तो ब्लू लगून हमारे आइसलैंड के ट्रिप का एक बहुत ही रिफ्रेशिंग स्टार्ट था। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप आइसलैंड जब भी आए आप ब्लू लगून आना बिल्कुल भी अपने ट्रिप में मिस मत करिएगा। तो आइसलैंड में आप पेमेंट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा भूख लग गया था, हम सोचे कुछ खा लेते हैं। यहाँ पर अच्छा सा कैफेटेरिया है बट यहाँ पर वेज आपको ऑप्शन बहुत ही कम मिलेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे नॉनवेज के लिए, कुछ सी फूड आपको यहाँ पर अच्छे से मिल सकते हैं, बट हाँ वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। बट मैं अपने साथ थर्मस में लेकर आई थी गर्म पानी और पॉट वाले नूडल्स और कुछ कचौड़ी, तो वो थोड़ा हम खा के निकल पड़े हैं फिर से रिक्विक सिटी के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और हम लकी थे कि जब हम रिक्विक सिटी पहुँचे तो बारिश बंद हो चुकी थी, तो हम चल पड़े डायरेक्ट फ्लाई ओवर का एक्सपीरियंस करने के लिए। और ये इतना अमेजिंग था, ये एक 5D शो है तो इसकी शूटिंग में नहीं कर सकती थी, बट आप ये बिल्कुल भी अपने ट्रिप में मिस मत करिएगा। तो हमने इसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम यहाँ कब तक पहुँचेंगे, तो आप यहाँ आकर काउंटर से भी टिकट ले सकते हैं। तो हमको इसके साइड में ही ग्रॉसरी शॉप मिल गई, तो आज हम ग्रॉसरी स्टोर फिर से आए हैं कुछ रोटी देखने के लिए। और रोटी मिल गई है, तो पीठा ब्रेड मिल गया है जो सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है आप गूगल ट्रांसलेट से इसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए वेज है या नॉन वेज है। तो ये एक हमने ख़रीदा है, इसका प्राइस है 229 ISK। ओके, तो रुपीज़ और पाउंड का रेट मैंने स्क्रीन में डाल दिया है। चलिए देखते हैं आगे और क्या है स्टोर में। आदि ने छोटा वाला ट्रॉली ले लिया है, क्यों आदि? आदि को इसमें मज़ा आ रहा है। तो कैरेट भी है, ब्रोकली है अगर आपको खाना बनाना है, लेट्यूस ले लिया है हमने सैंडविच के लिए, और मशरूम भी है, ये कैप्सिकम भी है, और ये क्या यहाँ आते ही हमको दिख रहा है नान, और लिखा हुआ है प्रामाणिक भारतीय भोजन। वाह, यस हिंदी। और ये देखो यहाँ पर क्या है, ये इंडियन नहीं है, ओनली दिस साइड। आम की चटनी, लहसुन अचार 999 ISK। वाह, दाल मखनी, बटर चिकन। तो इंडियन को फॉरेन में अगर इंडियन खाना मिल जाए तो उनकी खुशी कुछ इस तरीके से ही होती है। आइसलैंड में महाराजा रेस्टोरेंट भी दिख गया हमको चलते चलते। इंडियन फूड लवर्स हर जगह हैं। हाँ, अभी हम और चलते जा रहे हैं। यहाँ एक हिमालयन स्पाइस करके रेस्टोरेंट है, ये नेपाली रेस्टोरेंट है। तो हमारे एयरबीएनबी अपार्टमेंट जाते जाते हमें एक लेक भी मिला देखने के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। तो
तो अगर आपको ये चलते चलते दिख जाए तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बैठ गए हैं क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। हम बस स्टॉप से लेकर फ्लाईओवर और फिर हमने बहुत ज़्यादा वॉक किया है, आदि भी थक चुका है, तो थोड़ा 10 मिनट यहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर हम सोचे कि हम अपने अपार्टमेंट तक बस में जाएंगे, अब हम और नहीं चल सकते हैं। तो रिकविक सिटी अगर आपको बस से ट्रेवल करना है तो आपको उसके लिए 480 ISK देना पड़ेगा, जिसकी वैलिडिटी होती है 1 आवर की, और ये सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं, ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और रिकविक में आप ये आइसक्रीम सेंटर आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये बहुत ही डिलीशियस आइसक्रीम है आइसलैंड की। तो आइसलैंड का दूसरा दिन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है और हम आइसलैंड के तीसरे दिन मतलब इसके थर्ड एपिसोड में हम कहां कहां जाने वाले हैं और दुनिया के कुछ बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल में से जहां पर गेरवा गाने की भी शूटिंग हुई है, ये देखने के लिए और जानने के लिए आप इसका थर्ड एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूलें।